सरकार चाहे जितना ट्रेन चला ले, बाकी बिहार के लोग को सीट पे बैठाकर कभी नहीं भेजेगी बिहार। गवर्नमेंट सिर्फ कहने के लिए है कि जनरल बोगी जो है हमने बढ़ा दिया है, अभी कुछ बढ़ाया नहीं है। मैं एक दोस्त को मैं छोड़ने के लिए आया था, इतनी भीड़ थी कि कैसे बंदा रो रो के गया है। अरे साल भर में एक बार जाना होता है, गवर्नमेंट को कम से कम ध्यान देना चाहिए। पूरे देश में लगभग 30 करोड़ लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, ये एक डेटा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 करोड़ लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहीं बिहार की बात करें तो 3 करोड़ लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। ये पलायन का डेटा है, लेकिन इस पर फिर कभी हम विस्तार से बात करेंगे। दिवाली का त्यौहार है और अभी जो छठ पूजा भी आने वाली है, तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यात्री हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं क्योंकि अपनी फैमिली के साथ ये त्यौहार फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इन यात्रियों से हम जानेंगे जो लोग जा रहे हैं अपने घर, कि उनको टिकट लेने में कोई शिकायत तो नहीं हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर यात्रियों को कोई परेशानी हो रही है तो वो भी उनसे जानेंगे। इसके अलावा सरकार ने भी कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लगभग 250 स्पेशल ट्रेनें, वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी चल रही हैं, तो इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है यात्रियों से, चलिए हम उन्हीं से बात करके जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर विशाल तिवारी। कहाँ जा रहे हैं अभी? हम तो सर आरा जा रहे हैं। टिकट विकट मिल गई है यहाँ पर? टिकट तो सर हम 4 महीने पहले से लिए थे। वैसे क्या लग रहा है कि जो यहाँ पर इतनी भीड़ लग रही है, हाँ, इनको टिकट नहीं मिल रहा है या क्या वजह है? टिकट तो सबको मिल रहा है, हाँ, फिर गाड़ी में कैसे भी बैठ के लोग जा रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, हाँ, वो कोई खड़ा होकर जा रहा है, कोई जा रहा है लेटरिंग में, ये तो है ना। सरकार तो 250 ट्रेनें जो है एक्स्ट्रा चला, स्पेशल ट्रेनें चला रही है इस फेस्टिवल के लिए। सरकार चाहे जितना ट्रेन चला ले, बाकी बिहार के लोग को सीट पे बैठाकर कभी नहीं भेजेगी बिहार, ऐसा ये दावा है बिहारी। यहीं पर नौकरी करते हैं आप? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में ही करते हैं। कितने साल से लगभग? हम तो 3 साल से हैं। तो हर साल ये दिक्कत होती है? बिल्कुल या फिर? बिल्कुल, हाँ, हर साल ये दिक्कत का सामना करना है और करके हम लोग को दिवाली और छठ में घर जाना है। इसके लिए मेरा नौकरी रहे वहाँ न रहे, बाकी हम तो बिहार जाएंगे। क्या नाम हुआ आप लोगों का? चंदन। आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं बिहार जा रहा हूँ। आप भी? हाँ, साथ तो में साथ ही जा रहे दोनों? जी जी साथ में। कब से हैं यहाँ पर? 7 बजे से बैठे हुए हैं घर से, मतलब रूम से हम लोग निकले हैं 5 बजे से और यहाँ 7 बजे पहुँच के बैठे हुए हैं जब से। और स्पेशल ट्रेन है कोई 0:52 करके है, जो 8 बजे जिसका टाइम था, और अभी तक आया नहीं है। सुबह 5 बजे रूम से निकले हैं, यहाँ पे 7 बजे के करीब में पहुँचे हैं। 7 बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं, 8 बजे का ट्रेन था टाइमिंग उसका। पहले 12 बजे का टाइमिंग दिखाया और फिर टाइमिंग उसका चेंज हो गया, अभी 4:30 बजे दिखा रहा। अब ये आएगा 4:30 बजे या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। तो इंक्वायरी नहीं की है यहाँ पर? इंक्वायरी हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं स्पेशल है, इसका कोई गारंटी है, टाइम आगे भी बढ़ सकता है। हाँ, यहाँ पे यात्री बहुत, यहाँ पे जितने यात्री हैं सब वही है, 0:52 जो गाड़ी नंबर है, हाँ, वहीं पे उसी गाड़ी से सब जाने वाले हैं, सब यात्री परेशान। तो ऐसे कब तक इंतजार करेंगे ट्रेन की? अब क्या कर सकते हैं, टिकट तो बना हुआ है उस ट्रेन का, अब दूसरा ट्रेन से जा नहीं सकते हैं, यही परेशानी है। मतलब वो डिले है ट्रेन, मतलब अभी तक आई ही नहीं है? अभी तक आई ही नहीं है। और कब पहुंचाएगी, आएगी तो? और ऑलरेडी अभी तो 8 घंटा लेट हो गया, अब चलने के बाद और कितना लेट होगा उसका कोई पता नहीं। तो जब तक ट्रेन नहीं आएगी आप लोग ऐसे इंतजार करोगे? बैठे हुए हैं। तो कोई व्यवस्था यहाँ पर की? कुछ व्यवस्था नहीं, क्या है। आपका नाम क्या है? रंजू देवी। और आपका? मनल जायसवाल। तो आप पूरी, मतलब एक साथ एक पूरी फैमिली, कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर जा रहे हैं। तो टिकट विकेट का कैसे, अभी निकाला आप लोगों ने या पहले से? पहले निकले हुआ है। कितना महीने पहले? 2 अक्टूबर को निकला था। 2 अक्टूबर, हाँ, 2024 में। तो यही नौकरी करते हैं आप लोग, मतलब आप यही नौकरी करते, काम दिहाड़ी करते हैं? हाँ, कितने साल से? वो मतलब 8-10 साल हो गया, लेकिन दिहाड़ी नहीं बढ़ती दिल्ली का। मोदी जी ने जो है ये कर दिया है कि मतलब 600 रुपये, लेकिन जो भी दिहाड़ी ठेकेदार मालिक हैं, लेकिन वो बहुत कम देते हैं, बहुत ही कम देते हैं, जिससे मतलब वर्कर गरीब आदमी को उसमें गुजर बसर नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन चढ़ने में जो है हमारे जो फोर्स RPF या GRP के लोग हैं, अगर हमारे साथ हैं तो किसी पब्लिक को जो है दिक्कत नहीं होने देंगे। कहा गया कि अगर शासन ठीक है
तो प्रशासन भी ठीक है। हमारे साथ यहाँ के सिक्योरिटी कमिश्नर ज्योति मणि जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ जानते हैं जो यात्री यहाँ आ रहे हैं टर्मिनस पर और जो ट्रैवल करने जा रहे हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी हैं। जी सर बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर अरेंजमेंट की है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमने सबसे पहले यहाँ पे इंश्योर किया है कि स्कैनिंग प्रॉपर हो, बैगेज स्कैनिंग में हमने इंश्योर किया है सभी के बैग स्कैन हो। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा CCTV लगाए हुए हैं ताकि स्टेशन का जो हर एरिया जो कवर नहीं हो पा रहा था अर्लियर CCTV में वो एरिया भी कवर हो, और पूरे प्लेटफॉर्म पे हम CCTV कंट्रोल रूम के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जहाँ भी क्राउड बिल्डअप होता है हम वहाँ पर अपने स्टाफ को एक एडिशनल स्टाफ डिप्लॉय कर सकें और क्राउड को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। और जब भी कोई भी ट्रेन आ रही है तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि लोग यात्री बिना धक्का मुक्की किए, बिना एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए कोचेज में चढ़ें। और हम डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे समय समय पे स्टेशन पे जाके विजिट कर रहे हैं, और कोई भी अगर एक्सप्लोसिव आइटम इन सब का चेक कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। एंड हमारे साइड से एक्सेस कंट्रोल पे और ओवरऑल मतलब जो भी पूरी सिक्योरिटी जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वैसे जो ये सब सुविधाएं जो हमने देखी जैसे पीने का पानी हुआ, टिकट काउंटर, ये सब आप लोगों ने ही पूरा क्रिएट किया? ये रेलवेज की तरफ से हुआ है, और चूंकि ये इसलिए किया गया है क्योंकि ट्रेन का पैसेंजर्स काफ़ी पहले बहुत सारे आ जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक पॉइंट किया दिया गया कि LED डिस्प्ले लगाया गया जिसमें ट्रेन का टाइम आता रहता है, और जब पैसेंजर का ट्रेन का टाइम होता है वो आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जिस कारण से प्लेटफॉर्म पे भीड़ भी कम रहती है और पैसेंजर को भी सुविधा रहती है, यहाँ आराम से खुले में बैठ सकते हैं, और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है यहाँ कमर्शियल के द्वारा। प्लेटफॉर्म पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो हमने सिक्योर एनक्लोजर्स बनाए हुए हैं पैसेंजर्स को, जैसा आप देख पा रहे होंगे पीछे की तरफ हमने रस्सी टाई की है पोल्स के साथ में, तो ट्रेन के अराइवल के टाइम पे हम सारे पैसेंजर्स को इस रस्सी के पीछे रखते हैं, और जब ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे प्लेस हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, गेट खुल जाते हैं, तब हम लोगों को बोलते हैं कि वो ट्रेन को बोर्ड करें, वो ट्रेन बोर्ड हो जाती है, फिर हमें सिग्नल मिलता है कंट्रोल रूम से कि अब ट्रेन डिपार्चर के लिए रेडी है, तो फिर हम इस रस्सी के और प्लेटफॉर्म के बीच में किसी की मूवमेंट नहीं होने देते हैं, जिससे हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे जिससे कि मतलब किसी पैसेंजर को कोई चोट लग जाए या फिर रेलवे को उससे कोई बैड नेम मिले, रेलवे के लिए कुछ ख़राब नाम आए। तो इस तरह से करके हम अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको सुरक्षित यहाँ से बोर्ड करके आगे उनके गंतव्य के लिए भेजते हैं। मेरा नाम धर्मेश चतुर्वेदी है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ यूपी जा रहा हूँ। यूपी जा रहे हैं? हाँ। त्यौहार मनाने सर। क्या छठ की? छठ पूजा और दिवाली दोनों सर। तो किसमें? यही अभी ट्रेन में? हाँ, जो गोरखपुर स्पेशल है उससे जा रहे हैं सर। इसी स्पेशल? हाँ जी सर। पहले से टिकट विकट निकाले थे? पहले से नहीं निकाले थे, अभी आके निकाला हूँ सर। अभी निकाले? ये हमेशा ही दिक्कत होती है सर। क्या दिक्कत होती है? ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है, और फिर एक एक सीट पे पाँच छः नीचे बैठने के मतलब बाथरूम में भी बैठना पड़ता है। बाथरूम में भी बैठना पड़ता है, ऐसी दिक्कतें होती हैं। अच्छा। आदमी को जाना पड़ता है, फेस्टिवल है, फैमिली है, तो जाना पड़ेगा सर। लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है, कहा जा रहा है 250 ट्रेनें चलाई चल तो रही हैं सर, इसका जानकारी कैसे होगी? कुछ लोग तो ऐप्स, बड़े मोबाइल, कुछ जो एकदम कुछ भी नहीं जानते तो उनको कैसे मालूम चलेगा? क्या नाम हुआ आपका? जी सचिदानंद पांडे। कहाँ जा रहे हैं? जाना था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं त्यौहार के लिए? त्यौहार के लिए, छठ में। तो टिकट विकट पहले से मिल गया है या क्या? टिकट था पहले से, कंफर्म नहीं हुआ था, वेटिंग में ही था, तो कैंसिल हो चुका है। वो कैंसिल हो गया? हाँ, सोच रहे हैं कि जाएं जनरल से। तो काफ़ी भीड़ है अभी, मुश्किल लग रहा है यहाँ। तो ये हर साल की दिक्कत है या? नहीं, हर साल का है। हर साल छठ में जाते हैं? कई बार तो पहले निकल लेते हैं। हाँ। लेकिन इस बार थोड़ा टाइम लग गया। मान लो आप टिकट लेने गए स्पेशल ट्रेन या किसका, नहीं मिला तब? अभी वापिस होंगे और क्या, वापिस हो जाएंगे? वापिस तो कल कोशिश करेंगे वापस जाने के लिए या फिर? नहीं, आज अगर नहीं हो पाया तो फिर कल कहाँ से हो पाएगा? गवर्नमेंट सिर्फ कहने के लिए है कि जनरल बोगी जो है हमने बढ़ा दिया है, अभी कुछ बढ़ाया नहीं है। मैं एक दोस्त को मैं छोड़ने के लिए आया था, इतनी भीड़ थी कि कैसे बंदा रो के गया है। अरे साल भर में एक बार जाना होता है, गवर्नमेंट को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें जलने में सफ़र करने के लिए बोगी जो है इंतजाम करें, बढ़ाएं ताकि पैसेंजर को सफ़र करने में थोड़ी सा आसानी मिले। अब मान लीजिए कि हम लोगों को तो 12 घंटा 14 घंटे का सफ़र करना है, अब कैसे जाएँगे हम लोग? अब सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है कुछ।
250 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही कहा जा रहा है सर? कुछ भी नहीं, मैं तो ऑनलाइन कल से मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसी भी ट्रेन में टिकट मिल जाए, कोई ट्रेन में टिकट नहीं है। सब कोई 150 वेटिंग चल रहा है, कोई 120 चल रहा है, कोई 70 चल रहा है, किसी में ट्रेन टिकट मिल ही नहीं रहा है। अभी मजबूरी है कि हम लाइन में लग के जनरल टिकट लेकर के जनरल बोगी में सफर करने के लिए मजबूर है। सामान लेके कैसे चढ़ेंगे अब सर? अब देखेंगे कि नहीं कैसे चढ़ना, अब तो हम जानते हैं ना। वक्त हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हैं। जब हम यहाँ पर आए तो यात्रियों से बात की, यात्रियों ने बताया कि कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, हालांकि वो ट्रेन काफ़ी डीले है, 8-8 घंटे डीले हैं जब हमने उनसे बात की। लेकिन कुछ यात्रियों का ये भी कहना है कि हर साल की दिक्कतें होती हैं, स्पेशली जब फेस्टिवल का टाइम होता है, दिवाली और छठ, वो पूजा के लिए गाँव जाते हैं, यहाँ पर शहर में नौकरी करते हैं दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, लेकिन जब वो गांव जाने की कोशिश करते तो टिकटें 1-2 महीना पहले ही उनको निकालनी पड़ती है। इस बार भी उन्होंने यही किया, लेकिन कुछ लोगों ने तत्काल टिकटें भी निकाली। जहां तक सुविधा की बात है, आरपीएफ पुलिस की ओर से कैंप भी बनाए गए हैं, अलग से डेस्क भी बनाया गया है जो सहायता कर रहे हैं, लगातार सूचनाएँ दे रहे हैं। ये हमने यहाँ पर आकर देखा, जो मुख्यतः हमें 2 चीज़ें मिली। कुछ लोगों का ये कहना है, यात्रियों का, कि जो पिछले साल की तुलना करें तो इस साल की सुविधाएं काफ़ी बेहतर हैं, चाहे टिकट के मामले में हो या फिर रेलवे स्टेशन पर भीड़ एक जगह पे इकट्ठा ना हो जब ट्रेन में लोग चढ़ रहे हो, ये एक चीज़ है। दूसरी ओर ये भी है कि जो स्पेशल ट्रेनें आई, जो शिकायत मिली हम लोग को, स्पेशल ट्रेनों की शिकायत मिली कि वो कुछ डीले हैं, इस वजह से लोगों को प्लेटफॉर्म पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण, शुक्रिया।